एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और हमारी हर एक नई डिज़ाइन आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड, आज आपको मैं रोज़ बनाना बताऊँगी। तो रोज़ हम कुछ इस तरह बनाते हैं, बीच से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहले हम बीच वाला हिस्सा बनाएंगे, उसके बाद किनारे किनारे से उसको बढ़ाते जाएंगे। ये है रोज डिज़ाइन। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप कैसे रोज़ पेंसिल से ड्रा करते हो, तो आज उनके लिए ये वीडियो है। वो हमारे वीडियो को देख सकते हैं। मैंने ख़ास उन्हीं लोगों के लिए बनाए हैं जो हमेशा पूछते रहते हैं कि मैम आप कैसे बनाते हो, तो आप ज़रूर देखें हमारी वीडियो को। और आपको कुछ और भी जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये हमने आपको चार्ट पेपर पर बनाकर बताया है। क्योंकि फ्रेंड्स, बेडशीट पे पेंसिल से ड्रॉ किया हुआ आपको दिखेगा नहीं, इसके लिए मैंने चार्ट पेपर बनाया है। जो बेडशीट पे नज़र नहीं, पेंसिल से किया हुआ, मतलब पेंसिल से जो ड्रॉ करते हैं बेडशीट पे, वो दिखता नहीं है वीडियो बनाने के बाद। तो हमें उसके लिए हम स्केच से बना रहे हैं और ये पेपर पे बना रहे हैं, तो आपको ताकि आपको अच्छे से दिखे और आप डिज़ाइन को भी अच्छे से देख सकें और बना सकें। तो फ्रेंड्स, आप इसी तरह बेडशीट पर भी ड्रा कर सकते हो, लेकिन आप स्केच से बेडशीट पे ड्रा नहीं करना, क्योंकि आप जब भी कलर से पेंटिंग करोगे तो वो आपका जो स्केच का कलर रहेगा वो मतलब कलर में मिक्स हो जाएगा और कलर अच्छा नहीं दिखेगा। तो आप प्लीज़ स्केच से बेडशीट पर बिल्कुल भी ड्रा ना करें। हमने आपको ये चार्ट पेपर पे बना के दिखाया और मैं इसे पेंट भी करके नहीं दे सकती। पेंट तो मैंने आपको बहुत ही बताए हैं किस तरह से रोज़ पेंटिंग करते हैं, किस तरह से लीफ को पेंट करते हैं, तो आप ये तो देख ही चुके हो। बस मैं आपको ड्रा करना बता रही हूँ, तो आप चार्ट पेपर पे देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये हाँ, आप दे हमें फ्लावर के नज़दीक रोज़ कैसे बनाना है आप देख सकते हैं। बिल्कुल नज़दीक ही बनाएंगे, उसके बाद हम उसमें ज्वाइन कर देंगे थोड़ा सा। अगर आपको आधा रोज़ बनाना है तो और ही नीचे से आप बना सकते हैं। जो हमने बीच वाला हिस्सा ऊपर बनाया तो आप उसमें बिल्कुल नज़दीक पहले बने हुए रोज़ के नज़दीक बनाकर बना सकते हैं, तो आपका रोज़ मतलब शॉर्ट मतलब आधा हुआ कटा हुआ आ सकता है। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही खूबसूरत लग रही है डिज़ाइन। आप चाहें तो ये डिज़ाइन बेडशीट के चारों कॉर्नर पे बना सकते हैं और वो बहुत ही प्यारी लगती है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ शायद आपको ये वीडियो पसंद आए। तो कैसी लगी हमारी वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अभी जो भी कमी हुई हो प्लीज़ उसे भी बताएं। ये रही है आपकी मनचाही डिज़ाइन, आप जो जानना चाहते हैं मैंने वो बता दिया है। और अगर आपको और भी कुछ जानना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। फिर मिलूँगी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।